बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते और हेल्दी रहें। वेलकम करता हूं आपको विलेज फूड सीक्रेट में। और आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ कबाब रोल, जो कि खाने वालों का दिल जीत लेते हैं। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, और इसको हम हल्का सा इसके अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन आधा किलो पानी डालेंगे, और इसको करेंगे बॉयल, और इसकी बनाएंगे यखनी। और यखनी बनने तक इंतज़ार कीजिएगा। यखनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि हमने चिकन डाला था, बनकर रेडी हो चुकी है यखनी। और आधा कप हमने यखनी का अलग में रखा है। और अब हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसमें डाल देंगे प्याज जो कि हमने बारीक बारीक काटा था। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 3 अदद शिमला मिर्च जो कि हमने बारीक बारीक काट के रखी थी। शिमला मिर्च भी हमने डाल दी, और इसके साथ हम गाजर भी ऐड करेंगे जो कि हमने बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी। और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, हल्का सा सुनहरा करेंगे। और इसके साथ ही हमने डाल देना है मिर्च मसाला भी, और जो कि हमने फ्राई करके, जो कि हमने उबाल के रखा था चिकन, उसको हमने छोटा छोटा कर लेना है, और वो भी इसके साथ ऐड कर देना। और कुछ हसबे जैका लाल मिर्च, हसबे जैका नमक, और हसबे जैका ब्लैक नमक, और हसबे जैका गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे, थोड़ा सा पकने देंगे। और अब हम आपको जो मेन चीज़ें, ख़ास बातें वो बताने वाले हैं, जो कि हमने एक कप निकाल के रखा हुआ था यखनी का पानी, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, मतलब कि 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है, पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को हम ऐड करेंगे इस सब्ज़ी के अंदर जो कि हमारी कढ़ाई के अंदर पक रही है, और थोड़ा सा हिलाएंगे, देख रहे हैं कि कॉर्नफ्लोर डालते ही इसके अंदर थिकनेस आ रही है, और इसको आने देना है, थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पकाने के बाद हमने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया। कुछ आलू हमने उबाल के रखे थे, तकरीबन आधा किलो, और उनको अच्छी तरह हम कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश हमने कर लिए हैं, जितने भी आलू उबाल के रखे हुए थे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड रोल का पाउडर है वो डालेंगे, जो सुबह सुबह हम नाश्ते में खाते हैं, उसको थोड़ा सा पाउडर कर लेना है। और ढेर सारा धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और नमक चेक करेंगे कि नमक कम है या ज़्यादा, तो अपने हिसाब से नमक भी डालिएगा इसके अंदर। और नमक हमने डाल दिया, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने हाथों को अच्छी तरह पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके हम रोल बनाएंगे, और रोल बनाने हमने 3 इंच लंबे और 1 इंच मोटे रोल बनाते जाएंगे, बहुत ढेर सारे रोल बनेंगे। और अब हमने इनको फ्राई भी करना है, तो देखिए आपको बहुत ही ये टेस्टी लगेगी, घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अपने मेहमानों को और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये लो बजट में और बहुत ही जल्द बन जाती है, ये बहुत ही अच्छी चाइनीज़ रेसिपी है, और बहुत ही पसंद की जाती है पाकिस्तान में। हलाल रेसिपी है, इसमें कोई चाइनीज़ नाम में लिया है, लोग सोच रहे होंगे ये हराम होगी, हलाल रेसिपी है, पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती है। और हमने इनको फ्राई करने से पहले क्या करना है, 5 टेबल स्पून मैदा लेना है, उसका हमने पेस्ट बनाना है। वो किस लिए, वो इसलिए कि जो हमने रोल बनाए हैं वो इसके अंदर डिप करके कढ़ाई के अंदर ऐड करने हैं। हमने इनको अभी डिप करना स्टार्ट कर दिया, 1 by 1 इसके अंदर डिप करेंगे। और हमारे पास जो कि हम सुबह सुबह दुकानों से रस लेके आते हैं ना ब्रेड, उनको हमने पाउडर करना है, पाउडर के अंदर भी डिप करेंगे, क्योंकि ये क्रिंची बनेंगे, ये जो हमारे रोल है ना ये क्रिंची बनेंगे, चिकन के जो रोल हैं, चिकन पकौड़ा कह लें, या फिर चाइनीज़ चिकन रोल कह रहे हैं, ठीक है, चिकन कबाब कह लें,
आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कहे, मैं तो इसको चाइनीज़ चिकन कबाब कहता हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी गई और बहुत ही खुशबूदार और लजीज टेस्टी और क्रंची बनेगी। आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरह की रेसिपी बना के घर पे। और आपको पता है कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान शरीफ की आमद आमद है और रमज़ान शरीफ में स्पेशल रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत हमारे रेसिपी तैयार हो चुकी है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्या चैनल पे पहली बार आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो में याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं आप हमेशा हंसते मुस्कुराते इस तरह यूँ हंसते मुस्कुराते रहो और खुश और आबाद रहो। और हमें दीजिए इजाज़त किसी नई रेसिपी के साथ, फिर मिलेंगे।